महोबा में लोकसभा चुनाव में सपा प्रत्याशी का विरोध करना भाजपा नेता को महंगा पड़ गया। सपा की जीत से उत्साहित सपा समर्थक दबंगों ने बीजेपी के शक्ति केंद्र संयोजक पर प्राण घातक हमला किया है। सशस्त्र दबंगों ने लाठी डंडे और धारदार हथियार से हमला कर भाजपा नेता को लहूलुहान कर डाला, जिससे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल पूरा मामला जनपद के पनवाड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत कुनाटा गांव का है। बताया जाता है कि भाजपा के शक्ति केंद्र संयोजक मैयादीन राजपूत को घेर कर सपा समर्थक दबंगों ने जानलेवा हमला कर दिया। इस वारदात के पीछे की वजह लोकसभा चुनाव में सपा प्रत्याशी का समर्थन न करना बताया जा रहा है। घायल बीजेपी का नेता बताता है कि लोकसभा चुनाव के दौरान सपा प्रत्याशी अजेंद्र सिंह लोधी का वह विरोध कर रहा था, जिस पर उक्त हमलावर द्वारा सपा प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार प्रसार करने का दबाव बनाया गया, जिससे इनकार करने पर सभी दबंग रंजिश मान रहे थे। और इस लोकसभा चुनाव में सपा की जीत होने के बाद उक्त दबंगों ने बदले की नियत से उस पर जानलेवा हमला कर दिया। बताया जाता है कि भाजपा के शक्ति केंद्र संयोजक मैयादीन राजपूत अपने चचेरे भाई के साथ महुआ गाँव में अपने घर लौट रहे थे, तभी रास्ते पर पहले से घात लगाए दबंग हमलावर हो गए। सशस्त्र दबंग लाठी डंडे और धारदार हथियारों से प्राण घातक हमला कर भाजपा नेता को लहूलुहान कर डाला और उसे अचेत अवस्था में छोड़कर मौके से फरार हो गए। भाजपा नेता पर हुए जानलेवा हमले की सूचना मिलते ही आसपास के भाजपा कार्यकर्ता और समर्थक भी इकट्ठा हो गए, जिसके बाद उसे इलाज के लिए पनवाड़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर होने के चलते उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। भाजपा नेता को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस मामले में तहरीर मिलने के बाद हमलावर विकास भूपेंद्र और हलकुट्टा सहित अन्य अज्ञात पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मेरा एक कजन भाई भी था साथ में, तो गाँव के कुछ दो तीन लोग गाँव के थे, बाद 10-12 लोग बाहर के लोग थे, मिल करके जैसे गाड़ी उसके ब्रेकर पे मोटरसाइकिल मद्दी हुई, उन लोगों ने चाबी निकाल ली और मेरे से बोले तुम बहुत बड़ा नेता भारतीय जनता पार्टी, तो जान से मार डाले यार। इतना मारा सर, मारते 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 15-16 लोग जितने थे सब ने लाठी डंडों बेल्टों से इतना पीटा, जब मैं गिर गया बेहोश हो गया तब वो। वहीं इस मामले में सीओ कुलपहाड़ हर्षिता गंगवार बताते हैं कि तहरीर के आधार पर तीन नामजद सहित अज्ञातों पर धारा 307 जानलेवा हमला करने सहित अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार की कोशिश की जा रही है। एक व्यक्ति मैयादीन राजपूत निवासी ग्राम कुनाटा थाना महोबगंज जनपद महोबा के साथ महुआ मठावे के पास कुछ व्यक्ति विकास राजपूत पुत्र बालेंद्र लोधी भूपेंद्र पुत्र राकेश यादव हलकुट्टा पुत्र मान सिंह व 15 लोग अज्ञात द्वारा मारपीट की गई है, जिस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए थाना पनवाड़ी में मुकदमा अपराध संख्या 134/24 धारा 147 148 149 307 323 504 506 IPC में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। महोबा से अशोक वर्मा की रिपोर्ट।